मतलब हिस्ट्री की क्लास में जो है हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से तीन चरण तो हम कर चुके हैं। अब ये चौथा चरण है जिसका नाम है बृहत राजस्थान, जो कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये चौथा चरण कहलाता है। इसमें रियासतें देखो, संयुक्त राजस्थान की तो ऐड है ही है, उसके साथ क्या हो जाते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसको आप J3B से जो लर्न करते हो, क्योंकि जितने भी नाम है वो जिलों के नाम, तीन तो जैसे हैं और एक किससे है, बीकानेर से है। इसमें 14 रियासतें और दो ठिकाने जो है वो शामिल है। देखो 10 तो थे संयुक्त राजस्थान में ही थे, और 4 इसके अलावा और ऐड कर दिए। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जो भी अपना ये जो मरुस्थल वाला भाग आ जाता है, वो सारा का सारा जो इसके अंदर ऐड कर दिया गया था बृहत राजस्थान में। फिर देखो ठिकाने हैं इसके अंदर कौन सा है, बीकानेर व लावा। राजधानी इसकी कौन सी थी, जयपुर। राजप्रमुख बनाए गए थे सवाई मानसिंह द्वितीय, जो कि कौन से थे, जयपुर के शासक थे। सवाई मानसिंह द्वितीय जो राजप्रमुख बनाए गए थे। और प्रधानमंत्री कौन है, हीरा लाल शास्त्री, ये भी जयपुर से ही थे। और उप राजप्रमुख कौन थे, महाराव भीम सिंह, जो कि कोटा के थे। फिर देखो 30 मार्च 1949 को मत्स्य संघ व सिरोही राज्य के अलावा वह ठिकानों का विलय जो है बृहत राजस्थान में हो गया। अब देखो मत्स्य संघ को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा जो है वो, सारा जो है वो इसके अंदर बृहत राजस्थान के अंदर जो है वो पूरा विलय कर दिया गया था। इसीलिए क्या करते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को क्या कर दिया था, एक मत्स्य संघ को छोड़ दो और एक सिरोही राज्य को, बाकी सारा राजस्थान जो था उसके अंदर मिक्स हो चुका था। फिर देखो संयुक्त बृहत राजस्थान है, 15 मई 1949, पांचवा चरण। आपसे ये पूछ सकते हैं कि 30 मार्च जो है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस संघ में जो है वो इसका एकीकरण के समय जो इसको डिक्लेयर किया गया था, तो चौथे में था। ठीक है, संयुक्त बृहत राजस्थान है, 15 मई 1949, पांचवा चरण कहलाता है। मत्स्य संघ के निर्माण के समय ही इसमें शामिल चारों राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में इस संघ को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में शामिल किया जा सकता है। जब इसका निर्माण हो रहा था उसी समय जो है वो उसको कह उनको कह दिया गया था कि या तो आपको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाएगा या फिर राजस्थान में शामिल कर दिया जाएगा। तो इन राज्यों की जनता की सलाह पर क्या है, पांचवें चरण में जो है मत्स्य संघ को संयुक्त बृहत राजस्थान में मिला दिया गया। तो बृहत मत्स्य संघ का पूछा जा सकता है कि इसको किस चरण के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, तो संयुक्त बृहत राजस्थान में को दे सकते हैं और चरण भी दे सकते हैं कि कौन सा चरण था, तो पांचवा चरण था। रियासतें बृहत राजस्थान और मत्स्य संघ, क्योंकि मत्स्य संघ में ऐड हो चुका है। अब कितनी हो जाएंगी, 18 रियासतें और 3 ठिकाने। ठीक है, अब एक रियासत बचेगी। प्रधानमंत्री है हीरा लाल शास्त्री, राजधानी है जयपुर, उप राजप्रमुख है भूपाल सिंह और महाराज प्रमुख सॉरी और राज प्रमुख है सवाई मानसिंह द्वितीय। नेक्स्ट देखो छठा चरण आ जाता है, राजस्थान संघ, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पांचवें चरण के बाद केवल सिरोही राज्य ही शेष राजस्थान से अलग रहा था। रियासतें संयुक्त बृहत राजस्थान और प्लस सिरोही। मुख्यमंत्री है यहाँ के हीरा लाल शास्त्री थे, और महाराज प्रमुख कौन थे, भोपाल सिंह, और राजधानी जयपुर, और राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह द्वितीय थे। देखो तीनों में राज प्रमुख यही थे, सवाई मान सिंह द्वितीय, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में। फिर उसके बाद वर्तमान राजस्थान, इसका स्वरूप कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, और ये सातवां चरण कहलाता है, जिसमें लास्ट में मेरवाड़ा, अजमेर प्रदेश और जय रह गया था वो इसके अंदर जो इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर, मेरवाड़ा का प्रदेश, माउंट आबू और दिलवाड़ा तहसील का राजस्थान में विलय कर दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, झालावाड़ में है, का भी विलय राजस्थान में ही किया गया। तो कोटा जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। कोटा जिले का तो सिरोज क्षेत्र किसको दे दिया, मध्य प्रदेश को दे दिया, और मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा है वो किसमें मिला दिया, अपने राजस्थान के अंदर मिक्स कर दिया गया। राज प्रमुख पद समाप्त किया गया और इसके स्थान पर किसकी नियुक्ति की गई, राज्यपाल की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ कि राज प्रमुख पद जो किस चरण में समाप्त किया गया था, सातवें चरण में समाप्त किया गया था, और उसके स्थान पर किसकी नियुक्ति की जाने लगी, राज्यपाल की। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरमुख निहाल सिंह थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है एकीकरण से संबंधित। मराठों द्वारा राजस्थान के किन रियासतों में चोत वसूल नहीं की गई थी, इन इन जो 4 रियासतें हैं, इन रियासतों के अंदर से जो है चोत वसूल यानी कि कर जो है वो वसूला नहीं गया था, वो कौन से थे, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़।
ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ ऐसे राज्य थे जिनके क्या किया गया था, जो मराठों के द्वारा जो है इनसे चोत वसूली जो है वो नहीं की गई थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, उत्तराधिकार शुल्क जो इनसे नहीं लिया जाता था, वो कौन सी थी? जैसलमेर थी। किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान प्रजामंडलों ने भाग नहीं लिया गया था? एक तो जैसलमेर और एक जयपुर। इन दो रियासतों ने जो है वो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो इन प्रजामंडलों ने भाग नहीं लिया था, एक तो जैसलमेर और एक जयपुर। महात्मा गांधी के हत्यारे को शरण देने का आरोप किस रियासत पर लगा था? अलवर पर लगा था, जिसका नाम क्या था? नथुराम गोडसे। महात्मा गांधी को मारने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम क्या था? नथुराम गोडसे। और उनको शरण देने का आरोप किस रियासत पर लगा था? अलवर पर लगा था। किस रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था? वो अलवर ही था जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो नहीं बनाया था। वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जोधपुर और टोंक। वे रियासतें जो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती थी वो कौन सी थी? जोधपुर और टोंक। ये रियासतें क्या चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती, लेकिन एकीकरण के समय जो जाट रियासतें भरतपुर और धौलपुर, ठीक है, भरतपुर धौलपुर कौन सी थी? जाट रियासतें कहलाती हैं। एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत वो कौन सी थी? टोंक थी। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि विहित राजस्थान को जमा कराने वाली रियासत कौन सी है? बीकानेर। 4,87,00,000 रुपए जो है इन्होंने जो है वो ये एकीकरण हुआ था तो उस समय इन्होंने ये जमा करवाई थी। फिर देखो, अगर इनको आप याद करते हो तो सबसे पहले देखो राजधानी है, तो AKUJ से जो है आप इनको याद कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले अलवर, कोटा, उदयपुर और फिर उसके बाद देखो 5, 6 और 7 सबके अंदर कौन सी थी राजधानी? अपनी जयपुर थी। ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी अपने एकीकरण के चरण है तो फर्स्ट चरण के अंदर क्या है? अलवर, सेकंड में कोटा, थर्ड में उदयपुर, फोर्थ में जयपुर और उसके बाद सभी में क्या है? 7 तक जयपुर ही है। फिर देखो राज प्रमुख है अभी भूमा, ठीक है, 6 में भी यही थे और 7 में कौन है? गुरमुख निहाल सिंह, 6 और 7 में। अब देखो अभी भूमा के अंदर थे कि सबसे पहले उभयमान है, भी से भीम सिंह है, भू से भूपाल सिंह है और मां से मान सिंह है। ये तो अभी 4 रियासतें, ठीक है। 5, 6 और 7 में कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। फिर देखो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कई बार पूछ लिए जाते हैं। शोभा गोसावे की मनी हीरा ही हीरा में है, ठीक है। सबसे पहले शोभा राम कुमावत थे, फिर गो से गोकुल लाल अस्तावा और मणि से माणिक्य लाल वर्मा। उसके बाद जितने भी है वो सारे के सारे क्या है? 4, 5, 6 में हीरा लाल शास्त्री थे और लास्ट में मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया प्रधानमंत्री। फिर से देख लो, शोभा गोसावे की मणि हीरा ही हीरा में, शोभा राम कुमावत, फिर गोकुल लाल अस्तावा और फिर उसके बाद मणि से माणिक्य लाल वर्मा और हीरा से हीरा लाल शास्त्री। तो ये 3 में थे तभी तो हीरा ही हीरा लिख रखा है, ठीक है। 4, 5 और 6 तीनों में कौन थे? हीरा लाल शास्त्री थे और लास्ट में कौन से हो जाएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया जो है इसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व व स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे।